ओके, सो दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द पेशेंट। अभी क्वेश्चन आता है कि सर ये गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है। सो देखो, सारी चीज़ों का सवाल जवाब यही है, पेशेंट अगर अनकंफर्टेबल है तो ये गायनेकोमेस्टिया है, पेशेंट कंफर्टेबल है तो ये गायनेकोमेस्टिया नहीं है। दूसरा सवाल, ये ग्लैंड या फैट है ये बताओ, फोटो या वीडियो देख के नहीं पता लगा सकते, उसके लिए हमको फील करना पड़ता है। सो हाथ में मैं फील कर रहा हूँ, सो यहाँ टफनेस फील हो रही है। सो दिस टफनेस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट, और जो सॉफ्टनेस होती है सर, ये सॉफ्ट सॉफ्टनेस फैटी कंपोनेंट। सो अभी पेशेंट को ये प्रोजेक्शन जो होता है टाइट क्लोथिंग में प्रोजेक्शन प्रॉब्लम करता है, जिसको कि उनको इम्प्रूव करना है, वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है इस अपीयरेंस से। सो पेशेंट क्योंकि अपीयरेंस से कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉस्मेटिक सर्जरी करें जिसमें कि चेस्ट को रीशेप करेंगे, जिसके अंदर की ये प्रोजेक्शन है ये अंदर जाएगा, यहाँ से जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट है वो बाहर निकल जाएगा विद वेरी टाइनी इंसीजन। और जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट एक बार निकल जाता है वो वापस फिर दोबारा नहीं आता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पेशेंट का डाउट होता है कि वापस आता है कि नहीं, आप निकाल दो वापस नहीं आता है। सो दिस इज पेशेंट अपीयरिंग बिफोर सर्जरी। ओके, पेशेंट एज इज 20, पेशेंट इज फ्रॉम मुंबई। ये पेशेंट का हम लोगों ने ग्लैंड और फैट पूरा निकाल दिया है। सो हम लोग दिखाएंगे, सो दिस वेरी स्मॉल इंसिजन, ये पूरा निप्पल का डायमीटर है, इसमें इंसिजन इज वेरी स्मॉल, तो क्लोज कर देंगे दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी बचा है, दिस इज चेस्ट का मसल, जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट नीचे नहीं दिखाई दिया, ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट था वो निकाल दिया, स्टॉप बस। ओके, सो दिस वॉज बिफोर सर्जरी एंड दिस इज नाउ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे बोलेंगे तो आज का, कल सर्जरी करा था और ये आज का है। सो वेरी माइनर इंसिजन, दिखाई भी नहीं पड़ता है। और ये जो स्टेनिंग है ये 4-5 दिन में चल रही है। टर्न करो वन साइड में, ये अदर साइड का प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ अदर साइड, दूसरी साइड टर्न करो, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, दिस इज नाउ। सो अभी प्रोजेक्शन एकदम चला गया है। अब जो यहाँ पर है वो चेस्ट की मसल ही है। सो पेशेंट को चेस्ट की मसल बनाएंगे तो उनको मास वाला शेप आ जाएगा। पेशेंट इज फ्रॉम मुंबई, उनको रिजल्ट दिखा दिया, अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्स अप करना है। ओके, वेरी गुड। ओके, पेशेंट के फॉलोअप पिक्चर लोग डालते हैं ग्लैंड्स एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो यहाँ पे जो पिंड पोस्ट होती है ऊपर वाली, ये 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, ये 6 मंथ बाद का, ये 1 ईयर बाद का, इसके साथ में यहाँ फॉलोअप सेक्शन है, यहाँ पे और भी पुराने पेशेंट्स है वो आप देख सकते हो। बाकी पेशेंट के रिजल्ट है 15 डेज बाद के, और भी बहुत से रिजल्ट हैं यहाँ पे। सारे रिजल्ट जो है गायनेकोमेस्टिया अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट पे आप आराम से देख सकते हो, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा रिजल्ट्स के बारे में। सो दिस इज अकाउंट ग्लैंड्स एंड फैट फॉर फॉलोअप पिक्चर्स। ये पेशेंट के भी फॉलोअप पिक्चर्स होंगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ, तो हम लोग यहीं पे देखेंगे। इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है।